हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, सुनील टेक्निकल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं। सब यही पूछते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा चैनल है, मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया था यूट्यूब पर, देख लीजिए आप, सुनील टेक्निकल के नाम से। ओके, तो इसके आप व्यू देख सकते हैं। इसके सब्सक्राइब देखिए, पहले तो 43 सब्सक्राइब हो चुके हैं इसके 2 डेज़ के अंदर, देखिए। और ये 2 डेज़ अगो बनाया था मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, नीचे वीडियो, लास्ट का वीडियो इसके अंदर देख सकते हैं। 2 डेज़ अगो ये सारे वीडियो मैंने 2 दिन के अंदर अपलोड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो मैंने 2 डेज़ के अंदर अपलोड किए हैं, देख सकते हैं। इसके व्यू भी अच्छे हैं, इसके सब्सक्राइब भी खूब अच्छे हैं, 43 सब्सक्राइब है। इसके 22 व्यू, इसके 19 व्यू, इसके 17 व्यूज, इसके 11 व्यूज, इसके 6, इसके 2, देख सकते हैं आप। 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, ऐसे माने जाते 2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल व्यूज़ बहुत कमाते हैं, लेकिन अच्छे खासे आ गए। ओके, और धीरे धीरे यूट्यूब चलने में थोड़ा टाइम लगता है, यूट्यूब चैनल चलने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आप देख सकते हैं खुद, यूट्यूब चैनल मेरा हो बन चुका है ये, इसे मैंने वीडियो अपलोड किए थे, देख सकते हैं आप। 2 डेज ये देखिए, 2 दिन हुए हैं अभी तक मेरे इस चैनल को क्रिएट किए हुए, देखिए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्यूज कैसे बढ़ाते हैं। तो यूट्यूब खोलिए, नेक्स्ट क्रोम में, न्यू ब्राउजर में। ओके, माय चैनल पर क्लिक कीजिए, साइन इन कीजिए यूट्यूब पर अपना आईडी, माय चैनल पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरा चैनल आ गया सुनील टेक्निकल के नाम से, देखिए मेरे वीडियोस आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा यूट्यूब अपने माय चैनल के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक नाउ एंड वेट। ये देखिए मेरे चैनल के वीडियो मैनेजर ओपन हो रहा है, इस पर मैंने 7 वीडियो अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं ऊपर लिख रखा है ये 7 वीडियो, ये मेरे पूरे वीडियो आ गए, देख सकते हैं आप। इसके व्यू भी अच्छे हैं, इसके लाइक्स भी अच्छे हैं, देख सकते हैं। 22 व्यू, 23 लाइक्स, 19 17 लाइक्स भी अच्छे हैं, व्यूज़ भी अच्छे हैं। दोस्तों, इसका मैं आज एक बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। ओके, आपके सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे इस सेटिंग, यूट्यूब पर सेटिंग करने से। ओके, सो मैं बताता हूँ आपको, ये एडिटिंग का एडिट का वीडियो बटन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज ओपन हो गया, ये पेज ओपन होते हैं, ये देखिए हमारा वीडियो आ चुका है यहाँ पर, मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो आ चुका है, हाउ टू एडिटिंग वीडियो, वीडियो एडिटिंग कैसे करें। ओके, तो मेरा ये वीडियो आ चुका है यहाँ पे, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसकी फर्स्ट स्टेप बताऊँ जी आपको मैं, आप वीडियो कम से कम 10 मिनट का तो होना ही चाहिए आपका वीडियो। ओके, मेरा वीडियो 10 मिनट का है, 10 मिनट 56 सेकंड ऐसे, तो ये मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो 10 मिनट 56 सेकंड का है, 10 मिनट 56 सेकंड, तो 10 मिनट का तो वीडियो कम से कम होना ही चाहिए। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं बताऊंगा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का, दिए टाइटल है जो वीडियो किसके बारे में, उसके टाइटल अच्छा देना है हमको, शॉर्ट में देना है बिल्कुल छोटा और अच्छा देना है। ये देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग देनी है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इसकी एकदम करेक्ट, वीडियो किसके बारे में बताने जा रहे हो आप, मैंने इसके बारे में बताया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वीडियो एडिटिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ट्रांसलेशन में कुछ नहीं, एडवांस सेटिंग में आप यहाँ पर टुडे कर दीजिए, आज की डेट आ जाएगी, यहाँ पर सर्च करके अपने लोकेशन का नाम डाल दीजिए, जो भी यहाँ पर राजस्थान, जयपुर, सांगानेर, भीलवाड़ा, कहाँ भी आप जहाँ पर रहते हैं। टेक्स्ट भी अच्छे होने चाहिए, ये देखिए ये वीडियो के 3 थंबनेल ऑटोमेटिक आते हैं, ये मैंने 4th थंबनेल लगाया था यहाँ पर। ओके, आप लगा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं आप इसको। मैंने ये वीडियो बनाने में कम से कम दोस्तों मेरे को 5 घंटे लग गए, देख लो आप,
मैंने वीडियो क्रिएट किया, खूब मेहनत की इसके अंदर, अब मुझे लगता है इसके व्यूज़ आएंगे, लगता है नहीं मतलब आ ही जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मेरे व्यूज़ सब्सक्राइब, अभी 43 है ओके मेरे सब्सक्राइब दो दिन के अंदर, दोस्तों दो दिन के अंदर तो अच्छी बात है। तो ये आपको व्यूज़ बढ़ाने के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी यूट्यूब पर, ये आपको एंड सेटिंग एंड एनोटेशन के नाम से एक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है ओके। तो हमने इस बटन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद जो आपका वीडियो है यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये देखिए आपका वीडियो ये रहा, हो जाएगा ओपन। यहाँ पे ऐसे कीजिए, मेरा वीडियो ये रहा 10 मिनट 46 सेकंड का, दोस्तों अगर आपका वीडियो 10 मिनट का होगा 10 मिनट का होगा तो आपके वीडियो के ऊपर ऐड आएंगे जो यूट्यूब देता है, उससे हमारे अर्निंग होती है यूट्यूब से ओके। तो आप वीडियो ज़्यादा मिनट का बनाएं ओके, तो वीडियो की तरफ आते हैं, तो कि मेरा वीडियो यहाँ पर खुल चुका है, ऑप्शन भी आ गया यहाँ पर ऐड एलिमेंट के नाम से ओके। तो हमको इस पर क्लिक करना है ओके, ऐड एलिमेंट इस पर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर ये देखिए लिस्ट खुल चुकी है पूरी की पूरी, देख सकते हैं आप वीडियो प्लेलिस्ट सब्सक्राइब चैनल लिंक चारों। अब हमको बढ़ाने क्या है व्यूज अपने चैनल के ऊपर, अपने वीडियो के ऊपर व्यूज़ कैसे लेके आएँ ओके। तो व्यूज़ के लिए हमें पहला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा वीडियो फॉर प्लेलिस्ट, हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट ओके, हमारे कितने वीडियो है उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। क्रिएट पर क्लिक करना है आपको ओके, मैं क्लिक पर क्लिक कर, यहाँ पर तीन ऑप्शन आ गए आपके सामने, मोस्ट रिसेंट अपलोड बेस्ट व्यूअर चूज़ द वीडियो प्लेलिस्ट, हमारा वीडियो चूज़ करना है हमको अपने प्लेलिस्ट के अंदर, अपने वीडियो चैनल के अंदर से अपना वीडियो चूज़ करना है 7 वीडियो में से, तो चूज़ पे क्लिक कीजिए, चूज़ द वीडियो प्लेलिस्ट ओके। तो एक मिनट मैं दोबारा कर लेता हूँ, ट्राई अगेन बता रहा था, ऐड पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट पर मैंने क्लिक किया, चूज़ द प्लेलिस्ट, ये देखिए हमारे वीडियो आ गए, 6 के 6 वीडियो आ चुके यहाँ पर ओके। 7 वीडियो से एक वीडियो जिसका अपन सेटिंग कर रहे हैं वो वीडियो पीछे हैं, और 6 वीडियो जो अपने आगे आ चुके हैं ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर इसमें से एक वीडियो लेना है और क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक करना है ओके। तो मैंने क्लिक कर दिया, ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है देखिए, ऐसे ही हम दूसरा वीडियो लेंगे ओके। एक वीडियो यहाँ पर सेट हो चुका है अपने वीडियो के ऊपर ओके, सो मैं दूसरा वीडियो भी लेता हूँ, क्रिएट वापस क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे वापस चूज द वीडियो प्लेलिस्ट, अब दूसरा वीडियो लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक किया, अब इसके बाद इसको भी मैंने सेट किया, इसको राइट में सेट कर देता हूँ ठीक है, आप अपने हिसाब से किधर भी सेट करते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी ओके। तो मैंने राइट में सेट कर दिया इसको, वापस क्लिक किया, क्रिएट चूज वीडियो प्लेलिस्ट नेक्स्ट वीडियो, तो मैंने एक और वीडियो ऐड कर दिया यहाँ पर, ये देखिए तीन वीडियो ऐड कर दिया, इसको भी नीचे लाइए, इसको यहाँ पर आप लेफ्ट में भी लगा सकते हैं राइट में भी लगा सकते हैं, इसको सेट कहीं भी कर सकते हैं इसको आप, तो ओके। तो देखिए तीन वीडियो दे रहा है, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, तो तीन खूब है ओके। तो इसको मैं सेंटर में सेट कर देता हूँ ओके, सेट नाउ सेंटर, आप लेफ्ट भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं ओके। तो दोस्तों इस सेटिंग से होगा क्या कि जैसे वीडियो हमारा ये वीडियो है हाउ टू एडिटिंग वीडियो ओके कैसे करें, तो इस वीडियो को जैसे ही कोई देखेगा यूट्यूब पर तो वीडियो जैसे लास्ट में ख़त्म होगा 10 मिनट 55 सेकंड पर, उसके बाद ये तीनों व्यू ये तीनों जो वीडियो दिख रहे हैं आपको ये तीनों मैंने सेट किया था अभी, ये वीडियो तीनों के तीनों वहाँ पर आ जाएंगी वीडियो पर, और उसको वो दिखा कि तीनों वीडियो आ चुके हैं तो वो इन पर भी क्लिक करके देखेगा तो हमारे वीडियो के व्यू बढ़ेंगे ओके। तो तीनों को हमने सेट कर दिया है, जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा लास्ट एंड आएगा वीडियो का तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो सेव पर क्लिक कीजिए, सेव पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ऑल सेंड सेव्ड, सेव हो चुका है ओके। तो दोस्तों ये सीन
ये एंड स्क्रीन एनिमेशन मैंने सेट कर दिया है। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके थैंक यू।